कोलकाता से प्रदीप दत्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्ते प्रदीप जी, कैसे हैं आप? नमस्ते, कैसे नमस्ते, मदद बहुत करें? अच्छा, थैंक यू वेरी मच आप लोगों के लिए। मेरा पहला सवाल है, मैंने कुछ अनलिस्टेड शेयर खरीदा अबाउट 2-3 इयर्स बैक, तो उस टाइम से ये तो लिस्टेड नहीं था, इसके लिए मैं सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स नहीं दे पाया। सो अभी ये शेयर लिस्टेड हो गया, मैंने 3 साल होल्ड किया, तो अभी ये शेयर अगर मैं सेल करूँ तो इसके ऊपर कोई कैपिटल गेन हो रहा है मेरा, तो मेरा सवाल है कौन सा रेट पे मेरा कैपिटल गेन टैक्स होगा। एंड मेरा दूसरा सवाल है, मैंने एक विलायती कंपनी से काम कर रहा था इंडिया में, वो कंपनी बंद हो गया एंड वो लोग हमको कुछ कंपेंसेशन पे किया था, तो ये कंपेंसेशन पूरा टैक्स फ्री है और पूरा टैक्सेबल है और अप टू 5 लाख टैक्स फ्री है। प्रदीप जी देखिए, ऐसा है कि जो आपको शेयर अनलिस्टेड कंपनी के थे और बाद में लिस्ट हो गए, अगर वो लिस्टिंग 31 जनवरी 2018 के पहले हो गई है तो आपको जो 31 जनवरी को जो प्राइस है वो आप कॉस्ट कंसीडर कर सकते हैं। अगर बाद में लिस्ट हुआ है तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा और आपके लिए सेक्शन 112A एप्लीकेबल होगा, क्योंकि आप जब बेच रहे हैं तब इस पर STT पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको जो इक्विटी शेयर्स और इक्विटी स्कीम्स वगैरह से कुल मिला के जितना कैपिटल गेन होगा उस पर आपको 1 लाख रुपए का एग्जम्पशन है और उसके ऊपर है वो आपको 10% का पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा जो प्रश्न है आपका, जो आपका सेवरेंस पैकेज मिला है, तो वो जो सेवरेंस पैकेज मिलता है वो मेरी राय में पूरी तरह से टैक्सेबल है। अगर ये आपके एम्प्लॉयर से मिलता है तो आपके सैलरी एड में टैक्सेबल होगा, और अगर कोई दूसरा अदर देन एम्प्लॉयर देता है तो भी आप टैक्सेबल बनता है, पर उस स्थिति में ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल बनेगा।